सुनीता देवी का काम बताइए, क्या काम किया? कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। आपको कोई पैसा दिया? भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कौन नहीं कर रहा है? तो सब लोग कर रहा है तो वो भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? मतलब नहीं वोट दिया जाएगा तो काम नहीं होगा? नहीं होगा। मतलब अभी हम लोग भागलपुर में मौजूद है और चुनावी सरगर्मी के बीच यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जनता और प्रतिनिधि दोनों आपस में लड़ भिड़ चुके हैं। उधर से प्रतिनिधि के लोग जनता का विरोध कर रहे हैं, जनता उनका विरोध कर रही है, लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं जब उन्हें तिलमिली लगी, उन्हें मिर्ची लग गई इस बात से कि हम लोगों ने उनका विरोध कर दिया, जनता ने उनका विरोध कर दिया, तो वो ये कहती नजर आती हैं कि यहाँ पर आप लोगों ने पैसे लिए हैं हमें ये दिखाने के लिए, ये दिखाना आपका अधिकार नहीं है लेकिन हम दिखाएंगे। आइए जानते हैं। एक सेकंड, इस तरफ जनता है, तमाम जनता के प्रतिनिधि हैं, इस तरफ मैडम है जो पूर्व पार्षद हैं और इस बार फिर से खड़ी हो रही हैं। जब इनसे हम लोग बात कर रहे थे तो इनका कहना है, इन्होंने पहले अच्छे से इंटरव्यू दिया, सवालों का टेढ़ा मेरा जवाब देते हुए ये यहाँ से निकल गए, लेकिन जब जनता ने इनका विरोध किया, जनता ने इनके कामों को दिखा दिया, अधूरे कामों को दिखा दिया, तो इनको हम लोगों का विरोध करना इन्होंने शुरू कर दिया। अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और इस जगह पर हम लोग आए हैं। कहना है कि यहाँ पर सिटिंग किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सुनीता देवी का विरोध जनता द्वारा किया जा रहा है। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? सुनीता देवी द्वारा काम किया गया है, युवा हैं। देखिए, सुनीता देवी द्वारा एक भी काम नहीं किया गया। जब जनता उससे मदद मांगती थी तो वह बोलता था कि हम सीधा वोट खरीदे हैं, तुम लोगों से लालू चक वाले से एक भी वोट नहीं लिए हैं, इसीलिए हम लालू चक का काम नहीं करेंगे। इधर आइए बीच में से। सुनीता देवी का काम बताइए। सुनीता देवी इसलिए यहाँ वोट देने आया है, मांगता है आया कि कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं किया, कोई भी आए, कोई आदमी आइए, इधर आइए। सुनीता देवी का काम बताइए। काम कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया। और आइए, इनका कहना है कि यहाँ पर लोग बिके हुए हैं और हम लोग रैंडम आदमियों से पूछेंगे, रैंडम औरतों से पूछेंगे। सुनीता देवी का काम बताइए। सुनीता देवी का काम बताइए, क्या काम किया? कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। आपको कोई पैसा दिया ये बोलने के लिए? कुछ ना। आपको कोई पैसा दिया ये बोलने के लिए उनका विरोध? कैसा घर है आपका? इनका यहाँ पर रुकिए, ये देखिए, इनका घर कोई ये आलिशान महलों में नहीं रहते हैं, ये झोपड़पट्टियों में रहते हैं और इनका कहना है यहाँ से जब इनसे सवाल किया जाएगा ना, जब कटु सवाल किया जाएगा तो ये भाग खड़ी होंगी। ये इनका पर्चा है, ये पर्चा बांटते हुए ये यहाँ पर हाथ जोड़ करके यहाँ पर निवेदन कर रही है, लेकिन निवेदन किनसे कर रही है? जिनके लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया, बुजुर्ग हैं। सुनीता देवी का काम बताइए। बहुत काम किया। क्या क्या काम किया? चलिए, क्या काम आपको है? रोड नाला का काम बताइए। कितना रोड नाला तो है ही है, सब तो बनी है क्या? दिखाइए कैसा बना है, कैसा बना है दिखाइए। टूटा हुआ रोड नाला है, टूटा हुआ रोड नाला है तो वही बना देगा आके, वो बनाएंगे, लेकिन उनके निरीक्षण है कहीं भ्रष्टाचार हुआ इसीलिए टूटा। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कौन नहीं कर रहा है? तो सब लोग कर रहा है तो वो भी करेगा, क्यों नहीं करेगा? मतलब इनका कहना है सुनीता देवी ने भी भ्रष्टाचार किया क्योंकि सब लोग कर रहे हैं, सब ने भ्रष्टाचार किया, उसमें वो भी शामिल थी, लेकिन वो भी शामिल थी। अरे वो भी शामिल थी, उसको हम क्यों बोलेंगे? वो भी शामिल थी। आपका कहना है कि सब, उसको आपका कहना है कि सब कर रहा है, सबको आप देखे, किस किस को आपने देखा है, किसको? अरे टीवी पे हम देखिए किसको देख रहे हैं। कौन से टीवी पे? कौन से टीवी पे? कौन से चैनल पे? आप बताइए ना। ये समर्थक है, समर्थक है? हम समर्थक नहीं है, हम ये कहने वाले हैं कि आप जो ये जो प्रचार कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं कि काम पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ है, यही दिखा। 5 सालों में काम जहाँ से जीता वहाँ किया, यहाँ से कोई वोट नहीं किया? नहीं, यहाँ से नहीं किया। वाह वाह वाह, इनका कहना है कि यहाँ से यहाँ के लोगों के लिए कोई काम नहीं होगा, जहाँ वोट नहीं दिया नहीं किया काम, वोट नहीं देगा तो काम नहीं होगा इस क्षेत्र। अब उसका बहुत अच्छे समर्थक है, इनका कहना है कि वोट आप लोग नहीं दिए तो काम यहाँ नहीं होगा आपके क्षेत्र। सही, विराट भाई, यहाँ काम नहीं होगा, मतलब अगर किसी क्षेत्र क्या बोला जाएगा, नहीं वोट दिया जाएगा तो काम नहीं होगा, नहीं होगा मतलब क्या 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 क्या? नहीं नहीं बोलिए, नहीं नहीं सुनिए, बताइए क्या क्या समस्या? टेंशन क्या, जान जो हो गया? नहीं नहीं, समस्या क्या है? क्या, अरे जो जरूरी वाली बात है कुछ बोला तो क्या दिक्कत आप लोग को है? समस्या आपको क्या है उनसे? समस्या है कि उनका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन जो भी आएगा सबको मिलेगा, अच्छी तरीका है जो है, नियम जो है पालन तो होबे करेगा, ठीक है? अब मिलेगा, आएगा तो मिलेगा। अरे जिसका अपना मत है, जिसको देना होगा तो देगा, मत तो दिया जाएगा, लेकिन अगले 5 सालों के लिए आपको प्रताड़ित किया जाएगा। आपके पैसे, आप जो टैक्स भरते हैं ना, बिस्किट भी खरीदते हैं उस पर टैक्स भरते हैं, उसी टैक्स के पैसे से ये नाला, रोड और सब कुछ बनता है,
अब उसमें अगर भ्रष्टाचार होगा तो अल्टीमेटली देखा जाए तो आप ही का पैसा ना चुराया जा रहा है। हाँ, वो बात सही कष्ट है कि नहीं उससे? हाँ, वो बात तो कष्ट है कि नहीं? चोर करने चोरी करने वाला चोर को क्या आप लोग गद्दी देंगे? हाँ, वो बात तो सही है, यानी कि जरूरत पे तो सबको वो बात जो बोल भ्रष्टाचार सब करता है। चुनावी यात्रा में अगर आप निकलते हैं तो कहीं ना कहीं समर्थकों से बच के आपको चलना पड़ेगा और तमाम लोगों को इस चीज से तकलीफ है कि क्या क्यों आप लोग इनका विरोध कर रहे हैं। विरोध हम नहीं कर रहे हैं, विरोधाभास यहाँ की जनता कर रही है और शायद जनता से भी लड़ते हुए लोग नजर आते हैं, उनके बीच में उनके समर्थक भी नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि आप विरोध करते रहिए, हम लोग इसी तरह से वोट बैंक की राजनीति करेंगे। इस क्षेत्र से उन्हें वोट नहीं गया तो इस क्षेत्र का काम नहीं होगा। बाकी आप देख रहे थे सिल्क टीवी, मेरा नाम है प्रतीक परमार। जय हिंद।